Hey guys, welcome to the Vikrant Academy. First of all, good morning. Today, this is the first lecture of Indian Polity. And the topic I chose today is the making of Indian Constitution. So we will start this topic from first. We will know that how our Constitution was made by our Constituent Assembly, how much time it took to be drafted, drafting of the Constitution. क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या क्रिटिसिजम हुए, ये सब कुछ हम जानेंगे. उसके पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल ऑफ दिस लेक्चर यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. ठीक है, यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे इस वीडियो के. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. फर्स्ट थिंग, यू नो दैट हमारे कंट्री में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो काफी समय पहले से स्टार्ट हो चुका था. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1930, पहली बार जो है 1930 में ये डिमांड रखा गया कि इंडिया विल बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री. ठीक है, जो कि लाहौर सेशन हुआ था. लाहौर सेशन के बाद जो 26th of January 1930, इस दिन में क्या हुआ था, हमारे कई सारे लीडर ने मिलके इंडिया का फ्लैग को फहराया था लाहौर में, और उन्होंने कहा था कि नाउ वी आर रेडी टू टेक ओवर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश, राइट. सो इस समय से ही नेशनल फ्रीडम चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, और लोगों का डिमांड था कि इंडिया का जो रूल है वो इंडियंस के हाथ में होना चाहिए. नाउ इफ एनीबडी वांट टू रूल देयर ओन कंट्री, देन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. हर एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, संविधान का जरूरत होता है. ठीक है, क्योंकि जो लोग वहां पर रहने वाले हैं, एक संविधान ही एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि सभी लोगों को मैनेज करती है, उन्हें बताती है कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, और इट टेल अस अबाउट द ऑन लीगल मैटर, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो जनरेट्स द ट्रस्ट अमंग द पीपल. लोगों के अंदर ये ट्रस्ट होता है कि यस देयर इज समथिंग व्हिच प्रोटेक्ट अस, राइट. सो जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आई थी वो आई थी 1934 में. एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे, इन्होंने सबसे पहली बार कहा था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश करना चाहिए जिसका काम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, राइट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिंदी होता है संविधान सभा, राइट. ओके, सो द वेरी नेक्स्ट ईयर 1935 जो हमारी उस समय की नेशनल पार्टी थी, जो एक सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए. सो अंग्रेजों ने इस डिमांड को नेग्लेक्ट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1935, बट इन 1940 द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड इन प्रिंसिपल, राइट. उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, अंग्रेजों ने क्यों एक्सेप्ट किया द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राइट. इसका रीजन था द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. यू नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग क्या था, इट इज फ्रॉम 1939 टू 1945. इस समय पूरा वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था और ब्रिटिश को इंडियन आर्मी का सपोर्ट चाहिए था, राइट. सो इंडियन आर्मी का सपोर्ट को लेने के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाना शुरू किया और बदले में एक ऑफर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं अगस्त ऑफर. इस ऑफर में अंग्रेजों ने क्या कहा कि ओके वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर डिमांड ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, सो ये तो अगस्त ऑफर हो गया. फिर ये सेटलमेंट होने के बाद इन 1942 व्हाट हैपेंड, अंग्रेजों ने एक कैबिनेट मेंबर्स को भेजा वहां से. ब्रिटेन से एक मेंबर आया जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, राइट. ही केम टू इंडिया विथ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भेजा था और उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, उन्होंने ये ऑफर दिया, बट this offer was rejected by the Muslim League. So you know Muslim League was also a political party in India at that time. So Muslim League ne isko kyun reject kiya,
क्योंकि मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने क्या कहा, नो वी वांट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट मींस हमारा जो ये कंट्री है ये दो भाग में डिवाइड होगा, इंडिया और पाकिस्तान, राइट, ये दो भाग में वो डिवाइड करना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। सो उन्होंने स्टेफर्ड क्रिप्स को कहा कि वी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल ओनली व्हेन यू विल मेक द प्रोविजन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। बट स्टेफर्ड क्रिप्स ने इस चीज को मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उसको ब्रिटेन से इसका परमिशन नहीं था, राइट। सो लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, ये तो हो गया 1942 में सेकेंड अटेम्प्ट। अब आते हैं अगेन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, राइट, इट वॉज द टाइम ऑफ 1946 जब इंडिया में ऑलमोस्ट अंग्रेजों की हुकूमत खत्म होने वाली थी, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, ऑलमोस्ट सब कुछ डिसाइडेड था कि अब जो है अंग्रेज इंडिया को छोड़ के जाएंगे, राइट। उस समय एक मिशन, एक कमिटी आई, कहां से, ब्रिटेन से। इस कमिटी का नाम था कैबिनेट मिशन, इसको कहा जाता है, जो कि 24th March 1946 को इंडिया आया। दिस कैबिनेट मिशन, व्हाई दिस मिशन इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन, क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे दे आर द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तीन मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकेंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड थर्ड एवी अलेक्जेंडर। सो थोड़ा सा नाम को आप याद रखेंगे, बाकी इसका डेजिग्नेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। सो ये जो कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आया, दिस कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू नेशन, राइट। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, इंडिया जो टेरिटरी है ये दो भाग में डिवाइड नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान नहीं बनेगा, राइट। उन्होंने मुस्लिम लीग से भी बात किया, मुस्लिम लीग को समझाने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इंडिया दो भाग में डिवाइड नहीं होगा, राइट। देन जैसे ये डिसीजन होने के बाद इन नवंबर 1946 इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश कर दी गई, राइट। नवंबर 1946 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश कर दी गई, जिसमें कि टोटल मेंबर्स थे 389। कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवंबर 1946। अब देखेंगे ये जो कैबिनेट मिशन इंडिया आया था उसमें कौन कौन थे, ये तीनों का नाम मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, यू कैन सी हियर, दिस वन इज स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर, इन्हीं तीनों ने ये कैबिनेट मिशन लाया था। नाउ दिस कैबिनेट मिशन डिसाइडेड दैट हम क्या करेंगे, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करेंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोज किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे वो सारे मेंबर्स के लिए क्या किया जाएगा, इलेक्शन कराया जाएगा, राइट। सो उन्होंने टोटल 389, एज आई टोल्ड यू दैट उन्होंने टोटल 389 सीट्स रिजर्व किए, जिसमें से कि 296 सीट ब्रिटिश इंडिया का था और 93 सीट्स वो किसका था, प्रिंसली स्टेट्स का था। सो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी टेल यू दैट इंडिया का जो पूरा पार्ट था एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो दो भाग में था डिवाइडेड, एक तो ब्रिटिश इंडिया, वैसा पार्ट ऑफ इंडिया जो कि डायरेक्टली अंडर कंट्रोल था, ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में था, राइट। और कुछ ऐसे पार्ट्स थे जैसे राजपूताना स्टेट्स हो गया, ठीक है, हैदराबाद के निजाम हो गए, ये सारे जो स्टेट्स थे ये इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे, ब्रिटेन के कंट्रोल में थे बट इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। इसका मतलब ये है कि हैदराबाद में निजाम हुआ करता था, राजपूताना में राजपूत किंग हुआ करते थे, राइट। बट ये वाला जो पूरा एरिया है जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, ठीक है, ये डायरेक्ट रूल किया जाता था वायसराय के द्वारा, जो ब्रिटिश वायसराय होते थे वो उसको रूल करते थे। सो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उनको दो भाग में डिवाइड किया गया, वैसे मेंबर्स जो ब्रिटिश इंडिया से आ रहे हैं, दैट वाज 296, एंड सम मेंबर्स हु वाज फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, इट वाज 93, राइट।
further division are there, but no need of memorizing this one, right? Okay. अब देखो difference क्या था दोनों में, ये जो 296 members थे, they were elected by the members of provincial assemblies, ठीक है? जिस तरह से आज हमारे country इंडिया में states होते हैं, जैसे कर्नाटका है, right? महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है, ये सारे स्टेट्स हैं, उसी तरह उस समय यहाँ पर क्या होते थे, प्रोविंशियल स्टेट्स होते थे, ठीक है, प्रोविंशियल स्टेट्स। यहाँ के जो एमएलए, आज की डेट में जिस तरह एमएलए होता है, वहां पर भी प्रोविंशियल स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। इन सारे प्रोविंशियल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने वोटिंग किया और वोट करके इन 296 मेंबर को चुना, राइट? ओके, देन जो 93 मेंबर्स थे, दे वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स, जो इंडिया के डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने नॉमिनेट किया, अपने मेंबर को नॉमिनेट किया, यहाँ पर इलेक्ट नहीं हुआ, राइट? नॉमिनेट किया गया। डिफरेंस क्या है, नॉमिनेशन का मतलब होता है कि राजा ने क्या किया, उसको अपॉइंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब ये जो 389 मेंबर्स आए यहाँ पर, क्यों आए 389 ही क्यों? क्योंकि उस समय जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 38 करोड़ थी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 38 करोड़, राइट? और हर एक 10 लाख, दैट मीन्स 1 मिलियन पीपल, ठीक है, 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया, ठीक है? सो इफ यू मल्टीप्लाई 389 इनटू 10 लाख, यू विल गॉट द 38 करोड़। दैट मीन्स कि हमारे कंट्री में हर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए हर एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट? ओके, सो जब ये डिसाइडेड हो गया, देन जुलाई टू अगस्त, इंडिया में जुलाई टू अगस्त 1946 इलेक्शन हुए, ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया के लिए इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ हम देखते हैं आगे, ठीक है? इस इलेक्शन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट की, कुछ इंडिपेंडेंट थी, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी वो मुस्लिम लीग था और इंडियन नेशनल कांग्रेस था, राइट? सो ओके, सो यू कैन सी हियर दैट जो रिजल्ट आया इलेक्शन का, जिसमें से कि आउट ऑफ 389 208 सीट वाज वॉन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 सीट वॉन बाय मुस्लिम लीग, और बाकी के जो 15 बच गए ये इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ठीक है? अब देखो इसको अगर आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 208 प्लस 73, हाउ मच, 299, राइट? ये कितना हो जाएगा 299। बाकी के जो मेंबर्स थे वो कौन थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। सो इलेक्शन कितने सीट पर हुआ था, 299, जिसमें से कि 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग एंड 15 इंडिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पर जो है याद रखने वाले जो पॉइंट है वो है ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे उन्होंने, उनका मेंबरशिप नहीं था। कौन कौन थे, महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल एज द मोहम्मद अली जिन्ना, राइट? सो आई टोल्ड यू दैट दीज आर द पीपल हु आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब जो प्रोविंशियल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इनको चुना था, राइट? एंड दीज ऑल एमएलएज वर आल्सो इलेक्टेड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। देखो अंग्रेजों के समय में वोटिंग राइट सभी को नहीं मिला था, राइट? कुछ लोगों को, जो लोग टैक्स पे करते थे, जिनके पास एजुकेशन होता था, उन्हीं को वोटिंग राइट मिलता था, ठीक है? बट लेटर ऑन आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस, नाउअडेज ऑल द पीपल आर गेटिंग वोटिंग राइट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे कि जब इलेक्शन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से काम करना शुरू किया। जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9th of December 1946, ठीक है? सो ये आप ध्यान से देखो इस डेट को, इट इज द डेट बिफोर इंडिपेंडेंस,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना आजादी से पहले शुरू हो चुका था। ठीक है, हमने इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को पाया था, राइट। सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था उसको मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने का मतलब है कि उसने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। अब क्यों अटेंड नहीं किया? सिंपल सा रीजन है, मुस्लिम लीग वॉज डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन। मुस्लिम लीग को एक सेपरेट नेशन चाहिए था पाकिस्तान, इसलिए उन्होंने इस मीटिंग को पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट। देन सो 1946, दैट मींस 9 दिसंबर 1946 में जो मीटिंग हुआ था उसमें सिर्फ 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। सो कैन यू सी, आउट ऑफ 389 मेंबर्स सिर्फ 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बाकी के लोगों ने इसको बायकॉट कर दिया। अब आते हैं कि इस दिन जो है दो दिन के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जामिनेशन में, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। दो दिन ये वहां के प्रेसिडेंट रहे। फिर दिसंबर 11th को एक वोटिंग हुआ प्रेसिडेंट के लिए ऑफ असेंबली। इस वोटिंग में राजेंद्र प्रसाद जीत गए, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, एंड एच सी मुखर्जी बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अपार्ट फ्रॉम दिस, सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ टू द असेंबली। सो यहाँ पर देख लीजिए, सचिदानंद सिन्हा का फोटो है, राइट। कम टू द नेक्स्ट। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया, वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एज इफ वी डू एनी वर्क इन आवर जनरल लाइफ ऑल्सो, अगर हम कुछ पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए था, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। तो जवाहरलाल नेहरू ने जस्ट दो दिन के बाद ऑन 13 दिसंबर 1946 उन्होंने एक रेजोल्यूशन, ठीक है, मूव किया इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। इस रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था? इस रेजोल्यूशन में हमारे कंट्री के फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। दैट मीन्स कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसका बेसिक नेचर कैसा होगा, उसकी फिलॉसफी कैसी होगी, ठीक है। सो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। दिस रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947, राइट। सो एक महीने 10 दिन का लगभग वक्त लगा और सभी लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है। अगर मैं दो तीन प्रोविजन की बात करूं कि क्या लिखा हुआ था इसमें, तो जैसे लिखा हुआ था कि इंडिया विल बी अ सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया का पर किसी दूसरे कंट्री का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इंडिया विल बी अ सेक्युलर नेशन, इंडिया क्या होगा, एक सेक्युलर कंट्री होगा, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रह सकेंगे। सो इस तरह की बातें लिखी गई थी किसमें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सो बाद में इसी को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही हमने मॉडिफाई करके आज के हमारे प्रियम्बल का रूप दिया है। आज जो हमारा प्रियम्बल है वो कहाँ से आया है, इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का काम जारी था। नाउ इट वाज द टाइम ऑफ जून, चूंकि जून आ चुका था, 3 जून का समय था 1947। अब तक जो है मुस्लिम लीग वाज नॉट अटेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एज आई टोल्ड यू, दिसंबर 1946 से ही वो अटेंड नहीं कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और वो बराबर ये डिमांड कर रहे थे कि इंडिया के साथ साथ एक और कंट्री होनी चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन, ही वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वो इंडिया जब आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो मुस्लिम लीग काफी ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो उन्होंने 3 जून 1947 को एक प्लान प्रपोज किया जिसको हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान।
इस प्लान के तहत उसने कहा कि ओके वी विल डिवाइड द कंट्री इंडिया इन टू पार्ट, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। सो बेसिकली माउंटबेटन प्लान ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। लेटर ऑन जो माउंटबेटन का प्लान था उसी प्लान के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 साइन किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का? सो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एक्ट था जो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने वाला था, राइट। सो इसका सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर वर, इसने कहा कि जो असेंबली है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये बिल्कुल फुल्ली सॉवरेन होगी, इसके ऊपर किसी भी कंट्री इंक्लूडिंग ब्रिटेन का कोई हक नहीं होगा। ये असेंबली जो भी चाहे, ये चाहे तो किसी लॉ को खत्म कर सकती है, ब्रिटेन ने पहले जो लॉ बनाया है उसको खत्म कर सकती है, उसको अबॉलिश कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, थोड़ा सा चेंज कर सकती है, या फिर कोई एक नया लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ये पावर दिए गए। दूसरा, इसने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके दो काम होंगे। पहला काम होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान जो बन रहा है वो तो बनेगा ही, और दूसरा काम होगा कि जो पार्लियामेंट जिस तरह काम करती है, आज जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जिस तरह डिबेट एंड डिस्कशन चलते हैं, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड भी कुछ कुछ काम यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था स्टार्टिंग में, वो दो काम कर रहा था, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहा था और दूसरा पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रहा था। तो जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस असेंबली को चेयर करते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी फॉर द वर्क ऑफ पार्लियामेंट, तो इस असेंबली को जो चेयर करते थे वो थे जी बी मावलंकर, राइट। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने जैसे ही पार्टीशन किया, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नंबर 389 से घटकर 299 हो गया। बाकी के 90 मेंबर्स कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, राइट। सो जो जो हिस्सा पाकिस्तान का पड़ा, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सभी रिप्रेजेंटेटिव को कहां भेज दिया गया? पाकिस्तान भेज दिया गया, राइट। सो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, राइट। नाउ कम टू द इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू कैसे किया गया। एज ऑल ऑफ यू नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन नवम्बर 26, 1949। सो देखो, आज अगर आप देखो इंडिया में कहीं भी जब अटैक होता है, कोई सी भी आतंकवादी संगठन जब अटैक करती है तो 9/11 को ही अटैक करती है। Why you are listening the word 9/11? क्योंकि इसी दिन जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट ये हुआ था, इनेक्ट हुआ था। सो 26 नवंबर 1949 को इस पर सिग्नेचर कर दिया गया था, सारे मेंबर्स ने सिग्नेचर कर दिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। देन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर डेट भी मेंशन किया गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो रिटेन दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड इनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, राइट, और इसको हम खुद को दे रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को दे रहे हैं, राइट। ये ऐसा प्रियम्बल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ, एट दैट टाइम देर वॉज 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, राइट, वॉज एट दैट टाइम। आज के समय में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लगभग 465 प्लस आर्टिकल्स हैं, राइट, ठीक है। शेड्यूल्स का नंबर भी बढ़ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल का मतलब, सिंपल सा मतलब है लिस्ट, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं, ओके वी विल रीड अबाउट इट लेटर ऑन, शेड्यूल क्या होता है, अभी मैं अगर बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो दैट्स व्हाई सिंपल सा बात याद रखना है कि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स था, राइट। एंड यू नो द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। सो उसको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है।
सो मनु कौन था, यू नो, इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले लॉ बुक लिखने वाले जो थे वो मनु थे, राइट, और उसकी एक बुक थी मनुस्मृति, राइट, सो उनके नाम पर इनको भी मॉडर्न मनु कहा गया, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सिटीजनशिप, इलेक्शन, राइट, ठीक है, टेम्प्ररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये सारे प्रोविजंस जो है ये 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट हो गए थे। एंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। सो इसी के दिन को मान के हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, राइट। सो क्वेश्चन है कि हमने 26 जनवरी 1950 ही क्यों चुना, इसका आंसर आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स, राइट। फाइंड आउट करो कि हम 26 जनवरी को ही क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फुल्ली तरह से लागू किया हमारे कंट्री में। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो कुछ कुछ जो है देर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। जैसे मैंने बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मिलती थी तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी और पार्लियामेंट की तरफ मिलती थी तो उसको हेड करने वाले जीवी मावलंकर थे, राइट। देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है, इट इज एसोसिएशन ऑफ गेम, कॉमनवेल्थ गेम आपने नाम सुना होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट मीन्स जब वो कॉलोनियल कई सारे कंट्री को अपना कंट्रोल में रखी थी तो इन सारे कंट्री का एक एसोसिएशन बनाया गया था, ठीक है, और उनके बीच हमेशा जो है ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाती थी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि अंग्रेज बाहर जा रहे हैं लेकिन हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कई सारे चीजों को अडॉप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था। तो सिंपल सी बात है, फ्लैग हमेशा याद रखना कि ये आजादी के पहले अडॉप्ट किया गया था, दैट इज 22 जुलाई 1947, ठीक है। सो अगर फ्लैग अडॉप्ट नहीं किया जाता तो 15 अगस्त को क्या फहराते हम, राइट और नॉट। तो इसलिए ये एक महीना, लगभग एक महीना पहले, 3 सप्ताह पहले अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को, यू कैन से हियर। देन नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको 24 जनवरी 1950 पर इलेक्ट किया गया था, ये तीनों चीज को, राइट। सो सिंपल सा बात है कि जो पहला जो प्राइम प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्री के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जब इनको प्रेसिडेंट चुना गया था तो लोगों ने नहीं चुना था, इसको किसने चुना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चुना था। बाद में 1951-52 में जब इलेक्शन हुआ, देन ही अगेन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पीपल इलेक्टेड हिम एज अ President of India. That means indirectly he was elected by the MPs and MLAs, right? Apart from this, Prem Bihari Narayan Raijada. इस नाम को आप याद रखना, he was the calligrapher of constitution. Calligrapher का क्या मतलब होता है, जिसने constitution को design किया, कई सारे और उसमें art डाले, ठीक है, और you can say calligraphist का मतलब होता है कि जो लिखने में अच्छा हो, design के साथ लिखता हो, right or not? Okay. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कुछ और पॉइंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए थे, राइट, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। एक्सपेंडिचर लगभग 64 लाख हुआ था। उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इनेक्ट हो गया, उसके लगभग 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद 1951-52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, ठीक है। देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमिटी। देखो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो उसमें कई सारी कमिटीज थी। इस कमिटी का काम क्या था, ये लोगों से बात करती थी, कई सारे दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ती थी और उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है उसको बनाती थी। So, अलग अलग कमिटी का अलग अलग काम था। फॉर एग्जाम्पल, एक कमिटी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ड्राफ्टिंग कमिटी। सो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। इसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, उसको कौन से सेक्शन में
कौन से शेड्यूल में रखना है, ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था। ठीक है, एक यूनियन पावर कमेटी था जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन पावर कमेटी का क्या काम था, वो ये डिसाइड कर रही थी कि कौन कौन सा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। सो ये सारे डिसीजंस अलग अलग कमेटी ले रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो इसमें कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, ये डॉक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, अगस्त 29, 1947, राइट। सो नेक्स्ट इज, इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, राइट। सो ये सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आई एम गिविंग यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुआ तो कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्या क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, दैट मीन्स लोगों ने इसको नहीं चुना था। इट इज करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लोगों ने नहीं चुना था, इसको प्रोविंशियल स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने चुना था। नॉट अ सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन बॉडी नहीं था, मतलब ये एक ऐसा बॉडी था जिसको कि अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश किया था, दैट्स वाई इट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। टाइम कंज्यूमिंग, इन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 महीने में बना दिया, आपने 2 साल 11 महीने लगाए, 18 दिन लगाए, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये काफी ज्यादा समय लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज दैट दे टोल्ड दैट इट इज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ज्यादातर मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस से थे। देन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग्स फ्रॉम लॉयर एंड पॉलिटिशियन, ठीक है, सारे लोग लॉयर थे, पॉलिटिशियंस थे। ये भी एक कारण माना जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जनरल लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज लिखा गया है वो लैंग्वेज लॉयर का है, राइट। देन डोमिनेटेड बाय हिंदूज, सो आउट ऑफ द टोटल 299 मेंबर, 163 मेंबर बिलोंग फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये हिंदू डोमिनेटेड था। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म, यू नीड नॉट रिमेंबर इट फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट, क्योंकि जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, राइट। सो फॉर टुडे थैंक यू, राइट। कल हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, उसमें वी विल टॉक अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।